मेरे को वीडियो बनाते हुए कम से कम 8-9 महीने हो गए, बट मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो प्लीज आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी फैमिली को बढ़ाने में हमारी हेल्प कीजिए। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का ये व्लॉग कोई कहीं मैं घूमने नहीं गया हूँ, आज का ये व्लॉग मैं इंस्टाग्राम डीएम्स पढ़ूंगा आपके। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे क्यों नहीं वीडियो आनी चाहिए। तो ये एक Q&A वीडियो है और इसमें मैं सिर्फ इंस्टाग्राम के डीएम्स और कमेंट्स लूंगा। बाकी अगर YouTube का कमेंट्स या फिर YouTube पे जो कमेंट्स आते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो भी एक Q&A वीडियो होगा, तो पहले इंस्टाग्राम के डीएम्स चेक करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला जो सवाल है वो पूछा है शेख वसीम ने। इन्होंने पूछा है कि विच डिपार्टमेंट इज बेस्ट फॉर गिविंग टाइम टू आवर पर्सनल लाइफ। मतलब कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट होता है, हम अपने फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, दोस्तों को भी टाइम दे सकते हैं। तो यार देखो, पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बिजीएस्ट इंडस्ट्री है कि फैमिली के लिए या फिर फ्रेंड्स के लिए उतना ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि 12 आवर्स 14 आवर्स इतनी आवर्स की शिफ्ट होती है। तो डिपेंड करता है आपका होटल कितने स्टार्स का होटल है। अगर 4 स्टार हो गया, 3 स्टार हो गया तो आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, 5 स्टार है तो फिर टाइम बहुत कम मिलता है। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित ने क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन होटल मैनेजमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है। तो यार देखो, मुझे तो ट्रैवलिंग में जाना है, मुझे ट्रैवल इंडस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ट्रैवल इंडस्ट्री बेस्ड है, बट मेरे को फ्रंट ऑफिस और ट्रैवलिंग में ज्यादा अच्छा लगता है। और जैकी ने क्वेश्चन पूछा कि आफ्टर कंप्लीटिंग होटल मैनेजमेंट व्हाट सैलरी पैकेज गिव होटल मैनेजमेंट होटल इंडस्ट्री। सो गाइस, इन्होंने पूछा है कि ग्रेजुएशन करने के बाद होटल इंडस्ट्री कितनी पैकेज देती है, उनका प्लेसमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है। तो देखो यार, स्टार्टिंग सैलरी ऑन एन एवरेज में बताता हूँ कि 20,000 किसी भी होटल में स्टार्टिंग सैलरी होती है, अगर 5 स्टार होटल में जाते हो तो। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद आसिफ का। ये मेरे साथ पिकाडिली होटल मेरे फ्रंट ऑफिस में मेरे सीनियर थे। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट्स योर नेक्स्ट मिशन। तो यार देखो, अभी नेक्स्ट मिशन तो मेरा 1000 सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट मेरा नेक्स्ट मिशन है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। फोक एंड स्पून ने क्वेश्चन पूछा है कि लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड, तो थैंक यू सो मच। दीप्तो घोष ने क्वेश्चन पूछा है कि नहीं प्रिपेयर फॉर NCHMCET JEE एट होम और आई नीड कोचिंग। मतलब इन्होंने पूछा है कि होटल मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करने के लिए आपके किसी कोचिंग की जरूरत है या फिर हम घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो यार मुझे नहीं लगता कि होटल में एक टफ कोई इंडस्ट्री है, तो इसके जाने के लिए आपको कोई कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, तो आप अपने घर पे भी बैठ के इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अनु ने पूछा है, इन्होंने पूछा है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाओगे। तो यार मुझे तो फ्रंट ऑफिस ज्यादा अच्छा लगता है, बट मैं फ्रंट ऑफिस में भी जाने की सोच रहा हूँ और ट्रैवल इंडस्ट्री मुझे ट्रैवल गाइड बनना ज्यादा अच्छा लगता है। तो अभी लेट्स सी क्या होता है, अभी तो मैं 3rd ईयर में हूँ। और सोनू ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है IHM लखनऊ की हॉस्टल फी कितनी है। तो यार देखो, IHM लखनऊ की हॉस्टल फी पर ईयर 40,000 है और ये मे बी फ्लक्चुएट होती रहती है, तो मतलब ऑन एन एवरेज 40,000 है। अनु ने फिर से क्वेश्चन पूछा है कि हु इज विनोद। तो यार मेरे को नहीं पता कि ये विनोद कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमजा का, इन्होंने पूछा है विनोद, तो विनोद। शौर्या ने क्वेश्चन पूछा है कि बिहार का फ्लड से आपके घर पे क्या इफेक्ट हुआ और आपके गांव में क्या इफेक्ट हुआ। तो यार देखो, जो बिहार में फ्लड आया तो मेरे गांव में नहीं आया था, मेरे बगल वाले गांव में आया था, तो हम लोग अभी सेफ थे, बट वहां पे सिचुएशन अभी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई है। दूसरे जगह से लोग जो पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर जो अथॉरिटीज हैं उनको खाना पहुंचा रही है। काजल ने क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट लॉकडाउन कैसे एंजॉय किया। तो यार देखो, लॉकडाउन मैंने कुछ ज्यादा अच्छे से एंजॉय नहीं करा है। शुरू में मैंने बस थोड़े नॉवेल्स पढ़े थे और ये जो नॉवेल है यहाँ पे, ये सारी मैंने पढ़ ली है लॉकडाउन में। और मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, सारे फ्रेंड्स सबको मिस कर रहे होंगे, सब कॉलेज जाने के लिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव होंगे, तो उतना ज्यादा कुछ अच्छा नहीं गया मेरा। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनमोल ने, इन्होंने पूछा है होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री गर्ल्स के लिए कैसी है, उनकी लाइफ IHM लाइफ जॉब्स प्रमोशन सैलरी ये सब कैसी है, और गर्ल्स पे एक वीडियो बनाइए प्लीज। तो यार देखो, मैं वीडियो बना रहा हूँ और गर्ल्स के लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सेफ है और गर्ल्स जितनी भी है इन पे ट्रस्ट कर सकती है। और गर्ल्स के लिए जैसे इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टर, MBE ये सब हो गया, तो इनसे ज्यादा ही सेफ है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है और आप चाहो तो अपने भी सिटी में रह के जॉब कर सकते हो, जैसे लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर जितने भी स्मॉल टाउन्स है वहां हर जगह 5 स्टार होटल्स आजकल हो गए हैं, तो वहां पे आप जॉब कर सकते हो, तो गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंकित ने, इन्होंने पूछा है सर आप ट्रेनिंग टाइम पे कितने बजे जाते थे, आने का टाइम तो पता चल जाता है वीडियो में, बट जाने का पता नहीं चलता। तो यार देखो, ये बात मैं बताना भूल जाता था, क्योंकि मैं यार इतनी अर्ली मॉर्निंग में जाता था, 4-5 बजे जाता था मॉर्निंग में, और फिर
अगली रात को आता था, फिर यार 10 बजे 11 बजे, कभी कभी शाम को भी जाता था 5-6 बजे, फिर अगली सुबह आता था 5-6 बजे। तो यार ये मैं सुबह 5 बजे भी जाता था, फिर शाम को भी 5 बजे जाता था, जितने बजे मैसेज आता था फोन पे उतने टाइम में जाना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशील का, इन्होंने पूछा है रोहित भैया आपका नंबर मिल सकता है क्या, हम भी होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, मैं कटिहार बिहार से हूँ, अगर आप मेरा थोड़ा सजेस्ट कर देते हो। तो यार सुशील आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये बगल में आपको मेरी आईडी दिख रही होगी और वहां पे मैं सबके आंसर देता हूँ। आप मेरे से वॉइस चैट भी कर सकते हो, मैं वॉइस में भी आपको बता दूंगा कुछ भी। इससे ज्यादा मेरे पास जो क्वेश्चन आए हैं ये हैं, ग्लेल इंडस्ट्री में बियर्ड रखना या फिर मुस्टैच रखना ये सब अलाउड है या नहीं। तो यार बहुत सारे होटल से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको रखना है तो, बट कॉलेजेस में तो ये बियर्ड या फिर मुस्टैच वगैरह ये सब अलाउड नहीं है। मुस्टैच रख सकते हो बट बियर्ड रखना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि ग्रूमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है होटल इंडस्ट्री। गाइस ये भी एक सवाल आया था कि नेक्स्ट 2020 में हम लोग एडमिशन ले या नहीं ले, तो यार मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी 29th of August एग्जाम होने वाले हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि यार फर्स्ट ईयर में वैसे भी पढ़ाई नहीं होती है, फर्स्ट ईयर नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में वैसे भी पढ़ाई नहीं होती है, बट दोस्तों से फ्रेंडली माहौल होता है, बस एक दूसरे से मिलने जुलने में ही पूरा सेमेस्टर खत्म हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए आपको एडमिशन ले लेनी चाहिए। और होटल मैनेजमेंट के लिए आप क्यों एक साल अपना वेस्ट करोगे, इसी साल आप एडमिशन ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पलक चांदनी ने, इन्होंने पूछा है कि विच कोर्स यू हैव टू इन होटल मैनेजमेंट, और आपने 10th के बाद होटल मैनेजमेंट करा या फिर 12th के बाद, एंड लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सैलरी पर मंथ। तो पलक देखो यार मैंने 12th के बाद होटल मैनेजमेंट किया है, बट आप अगर डिप्लोमा करना चाहते हो तो आप 10th के बाद कर सकते हो। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन सैलरी पे। तो पलक सैलरी डिपेंड करता है कि आप किस होटल में जा रहे हो, तो ऑन एन एवरेज मैं बता देता हूँ कि 20,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है किसी भी हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन शांभवी ने पूछा है गॉड ब्लेस यू ब्रो, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज गर्ल्स की हॉस्टल लाइफ कैसी होती है बताइए। गर्ल्स की हॉस्टल लाइफ बहुत ज्यादा सेफ होती है, बहुत सारी गर्ल्स हॉस्टल की स्टूडेंट्स को मेरे फ्रेंड भी हैं गर्ल्स हॉस्टल में, तो मैं उनको जानता हूँ, गर्ल्स की हॉस्टल लाइफ बहुत ज्यादा फ्रेंडली होती है और सेफ इन्वायरमेंट होता है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। और इन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछा है प्लीज सर गर्ल्स की हॉस्टल लाइफ और कैसी होती है और फी बताइए। तो ये फी मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि 40,000 पर ईयर होती है और गर्ल्स की हॉस्टल लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होती है। हैप्पी ने पूछा है कि भाई बहुत गंदी इंडस्ट्री है, इतना काम करवाते हैं बट रिस्पेक्ट भी उतना ज्यादा नहीं मिलता है, सैलरी भी उतनी ज्यादा नहीं मिलती है। तो गाइज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये आप सबको पता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा काम होता है और रिस्पेक्ट की बात नहीं है यार, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है, कौन बोलता है कि रिस्पेक्ट नहीं मिलता, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलती है। F&B वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेप्यूटेड इंडस्ट्री है, आप गूगल कर सकते हो या फिर पता कर सकते हो। और सैलरी भी है स्टार्टिंग में कम होती है, बट अगर आप OCLD लेवल पे जाओगे या फिर ऊपर मैनेजर सुपरवाइजर लेवल पे जाओगे, अच्छे होटल में जाओगे तो सैलरी अच्छी ऑब्वियसली मिलेंगी, या फिर आप फॉरेन में भी जा सकते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाइस ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे ये मैंने इंस्टाग्राम DM से लिए हैं, तो मेक श्योर कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, वहाँ पे मैं सबके आंसर देता हूँ और आप मेरे से वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो। और यार एक और चीज मुझे आपको बतानी थी कि मेरे को वीडियो बनाते हुए कम से कम 8-9 महीने हो गए बट मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी फैमिली को बढ़ाने में हमारी हेल्प कीजिए। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।